सो गाइज यू कैन सी हमने यहाँ पर अपनी एक एफिट वेबसाइट को ओपन किया। एंड दोस्तों इस वेबसाइट को हमने एआई टूल के माध्यम से क्रिएट किया है। जितने भी इमेजेस व टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे सारा यहाँ पर एआई टूल के माध्यम से क्रिएट किया गया। हमने यहाँ पर खुद से किसी भी इमेज व टेक्स्ट को ऐड नहीं किया। एंड दोस्तों इस वेबसाइट को हमने कुछ फ्री के ट्राफिक सोर्स के ऊपर टेस्ट किया था एंड यू विल सी हमें वहां से काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। जैसे कि पहले ट्रैफिक सोर्स के माध्यम से हमने इस वेबसाइट के ऊपर 500 विजिटर्स को भेजा था, दूसरे ट्रैफिक सोर्स से हमने इसके ऊपर 300 विजिटर्स को भेजा था एंड तीसरे ट्रैफिक सोर्स के माध्यम से हमने यहाँ पर 50 विजिटर्स को भेजा। वहां से हमें काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो दोस्तों अगर आपको भी इस टाइप की वेबसाइट को क्रिएट करना सीखना है तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, एक भी पार्ट को मिस नहीं करना। सबसे पहले आपको इस एआई वेबसाइट बिल्डर के ऊपर आना है जिसका नाम है pineapple.co। एंड दोस्तों इसी एआई वेबसाइट बिल्डर के माध्यम से हम अपनी एफिट वेबसाइट क्रिएट करने वाले। तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको यहां पर आना है, ट्राई एआई फॉर फ्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा एंड यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट टेम्पलेट का। तो यहां पर आपको 5 टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको किसी भी एक टेम्पलेट को चूज कर लेना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर इस टेम्पलेट को चूज कर लेते, तो सिंपली हम ए कस्टमाइज इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज आता है एंड यहाँ पर आपको टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको अपने टेम्पलेट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको अपने बैकग्राउंड कलर को व्हाइट करना है, पेले करना है, विविड करना है, डार्क करना है, जैसा भी आपको यहाँ पर अपना बैकग्राउंड कलर करना है आपको उसके ऊपर टिक कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर डार्क कलर रखना चाहता हूँ तो मैं डार्क इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अगर अपने टेक्स्ट या फिर थीम के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने टेक्स्ट व थीम के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर ग्रीन डार्क रखना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर डार्क ग्रीन थीम के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है टेक्स्ट टाइप का, मीन्स आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल कैसे रखना चाहते हैं, उसका फॉन्ट कैसे रखना चाहते हैं, उसके भी आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ पर इंटर रखना चाहते हैं, रोबोटो रखना चाहते हैं, ओसवाल्ड हुआ, बिटर हुआ, प्रॉम्प्ट हुआ, जो भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल रखना है उस टेक्स्ट स्टाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रोबोटो रख लेता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है बटन स्टाइल का। जैसे कि आप यहाँ पर बटन ऐड हुए हैं तो आप इनको कैसा रखना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप इनको शार्प करना चाहते हैं तो आप शार्प इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बटन यहाँ पर शार्प में चेंज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपने टैंपलेट को कस्टमाइज कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पर अपने टैंपलेट को कस्टमाइज कर लें उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा ChatGPT 3.5 फ्री का एंड दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा ChatGPT 4 पेड का। अगर आप इनके पेड प्लान को परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपको ChatGPT 4 की एक्सेस मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर फ्री प्लान के ऊपर रखना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पर ChatGPT 3.5 फ्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसके ऊपर टिक करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है बिजनेस डिटेल का, मतलब किस नीश के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स आप यहाँ पर रखना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट यहाँ पर बिल्ड हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर वेट लॉस की नीश के ऊपर अपनी वेबसाइट बिल्ड करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पर वेट लॉस के अकॉर्डिंग ही अपनी डिटेल फिल करेंगे। अगर आपको डिटेल बनाना नहीं आता है तो उस केस में आप यहाँ पर गूगल बार्ड का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल बार्ड के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपको कुछ स्टेप से प्रॉम्प्ट लिख देना। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा है, राइट बिजनेस डिटेल फॉर वेट लॉस वेबसाइट। तो यहाँ पर इसने मुझे इतना सारा कॉन्टेंट दे दिया। अब आपको यहाँ पर वेबसाइट कॉन्टेंट के ऊपर जाना है और यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लेना है और कम से कम आपको यहाँ पर 5 कंटेंट कॉपी करना है क्योंकि इससे ज्यादा ये अलाउड नहीं करता है। तो यहाँ से हम 5 लाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर अपना बिजनेस डिटेल को फिल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है टारगेट ऑडियंस का, मतलब किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मैन एंड वुमेन को टारगेट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा वेट लॉस फॉर मैन एंड वोमेन। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने टारगेट ऑडियंस को लिख दें। जैसे ही आप यहाँ पर अपनी बिजनेस डिटेल फिल कर दें, टारगेट
टारगेट ऑडियंस के बारे में बता दे। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर आना है स्टार्ट जनरेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ही मिनट का टाइम यहाँ पर लगेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट यहाँ पर बिल्ड हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सो गाइज, यू कैन सी हमारी प्यारी सी वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब मैं आपको वेबसाइट का ओवरव्यू भी दे देता हूँ, इस टूल ने वेबसाइट के अंदर किन किन एलिमेंट्स को ऐड किया है। जैसे कि पहले पार्ट के अंदर इसने टाइटल को ऐड किया है, यहाँ पर इसने कॉल टू एक्शन दिया और इमेज को भी यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर आप अपना एफर्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपको इसके कॉल टू एक्शन को चेंज करना है या फिर जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करने हैं उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा मिडिल के अंदर इसने वेट लॉस की गाइड दी है, मतलब किस तरीके से वेट लॉस को अचीव कर सकते हैं, उसकी गाइड इसने कंप्लीट यहाँ पर एक्सप्लेन की। अगर आपको इस गाइड को चेंज करना है तो उसको भी आप यहाँ पर एडिट कर चेंज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको इस कंटेंट के साथ मूव करना है, आप अपना खुद का कंटेंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसने टेस्टिमोनियल्स को ऐड किया है। एंड दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको टेस्टिमोनियल्स 101% मिलते हैं। एंड टेस्टिमोनियल्स आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को भी बढ़ाते हैं। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड ही करता हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर टेस्टिमोनियल्स को रखना चाहिए, और यहाँ पर तो इसने ऑलरेडी ही टेस्टिमोनियल्स को लगा दिया है, तो आपको तो यहाँ पर मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपके टेस्टिमोनियल्स सब बन चुके हैं। अगर आपको टेस्टिमोनियल्स को चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसने कॉल टू एक्शन दिया है जिसके अंदर हम यहाँ पर अपना एफर्ट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पर बिल्ड हो चुकी है। जैसे आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट कर लें, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है या जो भी कस्टमाइजेशन करना है उसको करने से पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड गूगल के माध्यम से आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। सो दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज आएगा। एंड दोस्तों, यहीं पर ही आप अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एडिटर का ऑप्शन मिल रहा है जिसके माध्यम से आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट एडिट कर सकते हैं। मान लो आपको इसके टाइटल को एडिट करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस इमेज को चेंज करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड इमेज का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपनी खुद की इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड के माध्यम से आप अपनी खुद की इमेज अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर फ्री इमेजेस का ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर फ्री की इमेज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ वेट लॉस फास्ट, देन एंटर, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यू कैन सी हमारे सामने इतनी सारी इमेजेस आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर किसी भी एक इमेज को चूज कर लेना है। इस एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस इमेज को लगाना चाहता हूं तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपनी इमेज को चेंज कर दी। सेम इसी तरीके से आप पूरी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस चेंज करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर अपना एफर्ट लगाना है तो हम यहाँ पर आते हैं एंड इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं वेट लॉस नाउ, या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर कंटेंट ऐड कर। अब हमें अपने एफर्ट लिंक को लगाना है, तो एफर्ट लिंक लगाने के लिए आपको लिंक के ऊपर आना है, वेब के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने एफर्ट लिंक को जनरेट करना है। तो एफर्ट लिंक को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले रिशो 24 का, तो हमने रिशो 24 के अंदर लॉग इन कर लिया। अब हम यहाँ पर वेट लॉस के प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे, तो सिंपली आपको सर्च के अंदर आना है एंड यहाँ पर आपको टाइप कर देना वेट लॉस, देन एंटर, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर किसी भी एक प्रोडक्ट को चूज कर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं, तो इसके एफर्ट लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। लिंक को कॉपी करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको अपने एफर्ट लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको ओपन इन न्यू विंडो, इसके ऊपर टिक कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना एफर्ट लिंक लगा देना। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। अगर आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट के पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर टिक करना है, देन डिलीट, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना अननेसेसरी पार्ट भी डिलीट कर सकते हैं।
अगर आप इस अननेसेसरी पार्ट को भी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको उसके ऊपर टिक करना है एंड यहां से आपको इस अननेसेसरी पार्ट को भी डिलीट करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अगर आप अपने कॉन्टेंट को भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर यह वाला कॉन्टेंट यहाँ पर ना हो बल्कि यहाँ पर एक हाईली कन्वर्टेबल कॉन्टेंट हो, तो उसको आप गूगल बार्ड से भी क्रिएट कर सकते हैं जिसको आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे इस कॉन्टेंट को यहाँ पर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं इसके टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं गूगल बार्ड के ऊपर एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट 50 वर्ड्स ऑन। उसके बाद हम यहाँ पर उस कॉन्टेंट को पेस्ट करते हैं, देन एंटर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। गूगल बार्ड कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएट कर देगा। सिंपली आपको इस कॉन्टेंट को रीड कर लेना है। अगर आप इस कॉन्टेंट से यहाँ पर सेटिस्फाई हैं तो आपको इसको कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। तो रिप्लेस करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड वी विल रिप्लेस इट हियर। तो इसको हम यहाँ पर इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने जितना भी कॉन्टेंट है, जैसे ये वाला चेंज कर दिया मैंने, अगर आपको इस वाले पार्ट को चेंज करना है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इमेज को चेंज करना है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर एडिट के ऊपर क्लिक करना है और उसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी फ्री की इमेज या फिर खुद की इमेज भी यूज कर सकते हैं। इस वाले पार्ट को भी आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप इस पार्ट को एडिट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। अगर आपको इस पार्ट को रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इसको और भी वेल ऑप्टिमाइज करना है, मीन्स आपको इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से ढालना है, तो उसको भी आप ढाल सकते हैं। मुझे इस पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। टेस्टिमोनियल्स में भी अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको इसको कस्टमाइज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, इमेज चेंज करनी है, सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके माध्यम से आप अपने टेस्टिमोनियल्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पार्ट मिलता है कॉल टू एक्शन का। अगर आप अपने कॉल टू एक्शन के अंदर भी कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, ओनली मुझे यहाँ पर अपना एफ रेंज करना है। तो पहले मैं कॉन्टेक्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन लगा देते हैं। तो कॉल टू एक्शन लगाने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, बैक के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम अपने ऐप पर लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपना कॉल टू एक्शन लगा दिया। अगर आप यहाँ पर अपनी सोशल मीडिया की आईडीज को भी लगाना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको अपने फेसबुक आईडी को लगाना है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक आईडी के लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिंक्डइन की अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल को लगा सकते हैं, ट्विटर को चेंज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी को लगा सकते हैं। जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करने हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपना अबाउट अस के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को दे सकते हैं। टर्म ऑफ सर्विसेज के अंदर आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को जनरेट कर सकते हैं जिसको आप यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट वेबसाइट क्रिएट कर लेना है जिसका पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आपको अपनी वेबसाइट को कैसे पब्लिश करना है उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो पब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, पब्लिश इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपना कस्टम डोमेन लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं www.weightloss.com, इस टाइप का कस्टम डोमेन लगाना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप अपना कस्टम डोमेन यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर इनके डोमेन से भी अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर आना है, पब्लिश टाइप पेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर पब्लिश होगी तो आपको यूआरएल कहाँ पर मिलेगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो यूआरएल को देखने के लिए आपको यहाँ पर आना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल मिल जाएगा जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट ट्राफिक सोर्सेज के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी वेबसाइट यहाँ पर कैसे दिखाई दे रही है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसा हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज आता है एंड यू कैन सी यू कैन वॉच योर वेबसाइट हियर कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर कैसे दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी वेबसाइट को ट्राफिक सोर्सेज के ऊपर प्रमोट करते हैं तो आपकी ऑडियंस को, मीन्स आपके कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देगी उसका भी ओवरव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी प्यारी वेबसाइट है एंड गाइस, इस वेबसाइट को क्रिएट करने में हमें ओनली यहाँ पर 10 मिनट लगे हैं। तो आप भी इसी टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते हैं तो आप 10 मिनट में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लें उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को जितना हो सके उतने फ्री के ट्रैफिक सोर्स के ऊपर शेयर करना है ताकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम विजिटर्स को ला सके। आप जितने विजिटर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जितने विजिटर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे उतने ही आपके यहाँ पर सेल्स निकलने के चांस बनेंगे और
और आप यहाँ पर मनी मेक कर रहे हैं। जैसे कि मैं अपने ट्रैफिक सोर्स के बारे में बताता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट को किस ट्रैफिक सोर्स के ऊपर शेयर किया था। तो मैंने अपनी वेबसाइट को इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया था। तो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वेट लॉस का पेज क्रिएट किया था, पेज को मैंने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया था, बायो के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया था, डेली बेसिस की मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर 5 रील्स को अपलोड किया, 5 पोस्ट को शेयर किया, एंड गाइस 30 डेज के अंदर ही मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर 500 विजिटर्स मिले। एंड दोस्तों मुझे बिलीव है अगर मैं इसी तरीके से 1 महीने और भी वर्क कर लेता हूँ तो डेफिनेटली इस वेबसाइट के माध्यम से मुझे एक ना एक सेल तो जरूर मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से वर्क करते हो तो आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्राफिक ला सकते हो और यहाँ से आप सेल्स निकलवाकर मनी मेक कर सकते हो। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कम से कम इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लेते हैं ताकि इसी टाइप का ओसम कॉन्टेंट हम आपके साथ शेयर करें।